आज मेरी बेटी हमसे कह रही थी कि वो नेशनल खेलती है कि जब हम लोकल ट्रेन से पापा टीम के साथ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चियों की सुरक्षा और बाथरूम और हाइजन किचन की आवश्यकता होती है। महिलाओं के लिए अलग बाथरूम की आवश्यकता है, जेंट्स का अलग हो। हमारे यहाँ से 2.25 करोड़ मजदूर बाहर जाते हैं, 2.25 करोड़, और उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। वो बाथरूम में नीचे कोसी सीमांचल मिथिलांचल का सबसे ज़्यादा मजदूर आता है, ना तो उनको सुविधा है, ना जनरल डब्बा है, ना उसको टिकट भाड़ा में अति किराया सही ढंग से वो कर पाता है। जो वर्तमान में 12 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, उसके बाद 10 सालों से 5000 कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई 5 साल पहले, और अभी तक जब आप देखेंगे तो उसमें ग्रुप ए 1965, ग्रुप सी बी 105, ग्रुप सी 2,48,895, ऑपरेशन सेफ्टी फ्री 53,178 पद खाली है। ये आपके जवाब हैं। मेरा आग्रह है कि जो ग्रुप सी या बी जो लोग हैं, ये समाज के बहुत अंतिम व्यक्ति जो अपने लाइफ के लिए एग्जिस्ट करता है, वह उनकी जीवन की सबसे आवश्यकता है। तो मैं सबसे पहले नियुक्ति पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। रेल की सेफ्टी हो या किसी भी चीज़ों की व्यवस्था, उसमें नियुक्ति सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, कोरोना के समय जो भी ट्रेन बंद हुई थी, रेलवे मंत्री महोदय, मेरा आग्रह है, चाहे जो भी हम सफ़र हो हमारे इलाके का, जो कटिहार से चल के पूर्णिया सहरसा होते हुए अलीगढ़ जैसा इम्पॉर्टेंट जगह है, सहरसा कोसी सीमांचल के बच्चे अलीगढ़ सबसे ज़्यादा पढ़ने जाते हैं, वह ट्रेन बंद हो गई। मैं कोरोना के पहले 2 बात और कहना चाहूँगा कि आपने 50% हमारे जो ओल्ड बुजुर्ग थे, जिनका आपने रेलवे भाड़ा बंद कर दी, साथ साथ हमारे जो पत्रकार हैं, जो गाइडलाइन के तहत आते थे, जिनका 50% रियायत पर मिलता था, पत्रकारों को भी बंद कर दिया गया और ओल्ड बुजुर्गों को भी। मेरा आग्रह होगा कि आपसे बार बार सभी लोग मिले हैं और आप चाहते भी हैं, 4 साल पहले से लेके अभी तक उसका शुरुआत रियायत जो थी ओल्ड नहीं हो पाया है, मेरा वो दूसरा है। तीसरा है, आज मेरी बेटी हमसे कह रही थी कि वो नेशनल खेलती है कि जब हम लोकल ट्रेन से पापा टीम के साथ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चियों की सुरक्षा और बाथरूम और हाइजन किचन की आवश्यकता होती है। उन्होंने मुझसे कहा कि पापा सबसे पहले यदि ट्रेन में कोई व्यवस्था करिए तो आप आग्रह करिए मंत्री जी से कि जनरल जो डिब्बा होता है उसके खिड़की 25 होती हैं, खिड़की खुला रहता है, खिड़की के लोहा टूटे रहते हैं, स्थिति अच्छी नहीं होती है, वो सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मांग ही रख रहे हैं। दूसरा चीज, जो सफाई है ये बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए अलग बाथरूम की आवश्यकता है, जेंट्स का अलग हो, क्योंकि आप जानते हैं महिलाएं और जेंट्स का जो टॉयलेट का तरीका है बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए महिलाओं की बाथरूम की आवश्यकता पर ध्यान देने की जरूरत है। प्लेटफॉर्म को पर कहीं भी वेटिंग हॉल नहीं है ढंग का, और जो वेटिंग हॉल है वो उसके सामान से भर जाता है, लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पूर्णिया जंक्शन है, पूर्णिया कोर्ट है, बनमनखी है, मुरलीगंज है, मधेपुरा, आप इधर कस्बा है, जो जोगबनी से चलने वाली चीज़ें हैं मैं उसकी बात बता रहा हूँ, तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज़, जनरल डिब्बा को बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ से 2.25 करोड़ मजदूर बाहर जाते हैं, 2.25 करोड़, और उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। वो बाथरूम में नीचे कोसी सीमांचल मिथिलांचल का सबसे ज़्यादा मजदूर आता है, ना तो उनको सुविधा है, ना जनरल डब्बा है, ना उसको टिकट भाड़ा में अति किराया सही ढंग से वो कर पाता है। तो जनरल डिब्बा को बढ़ाने की एसी के जगह ज़्यादा ज़रूरत है। मंत्री महोदय,
मेरा सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो है एग्जामिनेशन देने जाने वाले बच्चों के बारे में। जो बच्चे किसी भी तरह का एग्जाम देने बाहर जाते हैं, अपने जिले से, अपने स्टेट से बाहर खास तौर पर, मेरा आग्रह है कि उस बच्चों को कम से कम 75% रियायत के दर पर टिकट मिले। पेंशनधारी जो है, जिसको आप 300 से 400 ज़्यादा पेंशन आप ओल्ड को नहीं देते हैं, पेंशनधारी को रियायत पर टिकट मिले। साथ साथ जो थिएटर के हमारे सबसे बड़े कलाकार हैं, जो गरीब घर से और मिडिल क्लास के परिवार से आते हैं, थिएटर करने वाले जो बाहर जाते हैं उनको रियायत पर टिकट मिले।